ये कंपैरिजन वीडियो है LG के 43 इंचेस 4K अल्ट्रा HD स्मार्ट LED टीवी और Kodak के 43 इंचेस 4K अल्ट्रा HD स्मार्ट QLED टीवी के बीच। इन दोनों का बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, अगर आपको खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके खरीद सकते हैं। तो इस वीडियो से आपको ये पता चल जाएगा कि ये LG और Kodak के 43 इंचेस टीवी में कौन सा बेस्ट है, किसमें अच्छे फीचर्स हैं, कौन सा टीवी नंबर 1 रैंक पे है, उसका रीज़न भी दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो पहले हम बात करते हैं पैनल टाइप की। LG में है LED पैनल और Kodak में है QLED पैनल। रेजोल्यूशन की बात करें तो LG में है 4K अल्ट्रा HD 3840x2160 और Kodak में भी है 4K अल्ट्रा HD 3840x2160। रिफ्रेश रेट की बात करें तो LG में है 60Hz और Kodak में भी है 60Hz। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, LG में है वेब OS स्मार्ट TV और Kodak में है Google TV। साउंड आउटपुट की बात करें तो LG में है 20 वॉट्स के स्पीकर्स AI साउंड वर्चुअल सराउंड 5.1, Kodak में है 40 वॉट्स के स्पीकर्स Dolby Atmos। कनेक्टिविटी की बात करें तो LG में है 3 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स, ब्लूटूथ 5.0, बिल्ट इन वाईफाई और Kodak TV में 3 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स, ब्लूटूथ 5.0, डुअल बैंड वाईफाई। HDR सपोर्ट की बात करें तो LG में HDR10 है और Kodak में HDR10 Plus Dolby Vision HLG MEMC। प्रोसेसर की बात करें तो LG में Alpha 5 AI प्रोसेसर 4K Generation 6 है और Kodak में MediaTek प्रोसेसर है। यूज़र इंटरफेस की बात करें तो LG में है AI ThinkQ, Apple AirPlay 2, HomeKit, Kodak में है Google Assistant, Chromecast, Voice Control। परफॉर्मेंस की बात करें तो LG में एफिशिएंट 4K अपस्केलिंग है और Kodak में है QLED पैनल विद सुपीरियर कलर एक्यूरेसी MEMC। पावर कंजम्पशन की बात करें तो LG का पावर कंजम्पशन है 95 वॉट जब आप इसको यूज़ करते हैं और Kodak में 80 वॉट्स जब आप इसको यूज़ करते हैं। एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो LG में है नॉन एंड्रॉयड वेब OS और Kodak में है Google TV एंड्रॉयड 11 और हायर। कॉन्ट्रास्ट रेशियो LG में है हाई और Kodak में है हायर कॉन्ट्रास्ट ड्यू टू QLED टेक्नोलॉजी। मेमोरी LG में है 1.5 GB रैम और Kodak में है 2 GB रैम। स्टोरेज देखें तो LG में है 8 GB स्टोरेज और Kodak में है 16 GB स्टोरेज। Amazon की एवरेज रेटिंग देखें तो LG है 4.1 आउट ऑफ 5 और Kodak है 4.3 आउट ऑफ 5। एवरेज रेटिंग Flipkart की देखें तो LG की रेटिंग है 4.4 आउट ऑफ 5 और Kodak की है 4.5 आउट ऑफ 5। कस्टमर्स के गुड फीडबैक को देखें तो LG के लिए AI साउंड, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, ये कस्टमर्स के अच्छे फीडबैक हैं और Kodak के लिए है ग्रेट पिक्चर क्वालिटी और अफोर्डेबल प्राइस। कस्टमर्स की कंप्लेंट्स देखें तो LG के लिए लिमिटेड रैम एंड स्टोरेज और Kodak के लिए माइनर इश्यूज़ विद TV स्टैंड क्वालिटी। प्राइस देखें तो LG है 29,490 रुपये का और Kodak है 20,999 रुपये का। तो विनर देखा जाए पूरे कंपैरिजन के हिसाब से तो विनर है Kodak TV। रैंक नंबर 1 है Kodak TV। Kodak TV विनर इसलिए है क्योंकि Kodak TV में QLED टेक्नोलॉजी है, सुपीरियर साउंड आउटपुट है 40 वॉट्स के स्पीकर्स और एडवांस्ड HDR सपोर्ट HDR10 प्लस और HLG मिलता है। इसके साथ ही LG TV के मुकाबले ज़्यादा रैम 2 GB और स्टोरेज 16 GB रोम मिलती है। इसका प्राइस भी 20,999 रुपये है जो काफ़ी अफोर्डेबल है और Dolby Atmos, MEMC और Google TV के थ्रू कॉम्प्रीहेंसिव ऐप सपोर्ट मिलता है। अगर आप बजट में हाई परफॉर्मेंस टीवी चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। और रैंक नंबर 2 में यानी कि रनर अप है LG 43 इंचेस LED टीवी। LG TV में AI एनहेंसमेंट्स जैसे AI ThinkQ और वर्चुअल सराउंड 5.1 साउंड फीचर्स हैं, लेकिन ये साउंड आउटपुट और QLED टेक्नोलॉजी में Kodak से पीछे है। वेब OS का स्टेबल इकोसिस्टम और बेटर प्रोसेसर ऑप्टिमाइजेशन के फ़ायदे मिलते हैं। इसका प्राइस 29,490 है जो Kodak से ज़्यादा है। तो कंक्लूजन देखें तो Kodak TV विनर है क्योंकि इसमें QLED टेक्नोलॉजी है, बेटर साउंड सिस्टम है और एडवांस्ड फीचर्स लोअर प्राइस में मिलते हैं। तो ये थी कंपैरिजन वीडियो LG के 43 इंचेस 4K अल्ट्रा
HD स्मार्ट LED TV और Kodak के 43 इंचेस 4K अल्ट्रा HD QLED स्मार्ट TV के बीच। इन दोनों का बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, अगर आपको खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके खरीद सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन हिट कर दें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनके आंसर कर दूंगा। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।